जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ मॉडल्स इन दिस चैप्टर। नाउ एज वी ऑल नो, द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम, ओके, दैट इज फॉर एनी मीन्स इफ यू टॉक अबाउट की द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम एट एनी प्लेस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, ये चेंज होती रहती है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली। अब ये जो पॉपुलेशन क्यों चेंज होती है वो भी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे। अब जो है दो मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रोथ मॉडल, अगर जो जो दो ग्रोथ टाइप्स या तो हम कह सकते हैं जो कि देखने को मिलते हैं, दैट इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है, ओके, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में, और उसको हमने डिनोट किया है ग्रोथ मॉडल से। सो दो तरह के मॉडल्स हैं, ओके, दैट इज़ योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द नेक्स्ट इज़ योर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ओके। नाउ द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो स्पेसिफिक पैटर्न, ओके, इसी को हमने ग्रोथ मॉडल नाम दिया है, कि ग्रोथ जो है किसी भी पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न शो करती है, ठीक है, और ये जो पैटर्न है ये चेंज भी होता रहता है, ओके, इट्स नॉट फिक्स्ड। सो अब ये जो पैटर्न जो है वो किस तरह का होता है, तो उसको हमने दो में डिवाइड किया है, एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल। नाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मींस इट्सेल्फ, आप ये वर्ड से ही समझ सकते हो, अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे अब अनलिमिटेड ग्रोथ के क्या क्राइटेरिया होंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये तो आ गई समझ में कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, कब हम कहेंगे कि ग्रोथ अनलिमिटेड है इसके बारे में, तो क्या होगा, जब फूड स्पेस जो भी रिसोर्सेज हैं जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो अगर अनलिमिटेड हैं तो क्या होगा, जिसका जितना मन करेगा वो खाएगा, जितना मन करेगा जहाँ भी रहेगा, मीन्स कोई वहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही खाना है, आपको सिर्फ इतनी ही जगह में रहना है, ओके, अनलिमिटेड ग्रोथ। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी स्पीशीज़ होगी वो पूरी तरह अपनी ग्रोथ शो करेगी, ओके, जैसा कि डार्विन ने ऑब्ज़र्व किया था, जो डार्विन ने जो बोला था, डार्विन की जो थ्योरी थी, ठीक है, उसमें क्या था कि उन्होंने बात की थी अडेप्टेशन की, कि वही जो स्पीशीज़ अडेप्ट करती है, ओके, वही जो है आगे चल, मींस जो अपने आप को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर ले। तो यहाँ अडेप्टेशन से सिर्फ यही मतलब नहीं था कि सिर्फ जो है वो अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एडजस्ट कर ले, बल्कि अपने यंग वंस भी प्रोड्यूस करे। जितने ज़्यादा यंग वंस प्रोड्यूस करेगी स्पीशीज़, वो इसका मतलब वो उतनी ज़्यादा अडेप्टेड है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। ये ऐसा जो था वो डार्विन ने ऑब्ज़र्व किया था, जो डार्विन की थ्योरीज थी, जो कि आपने क्लास टेंथ में ऑलरेडी पढ़ा था, सर्वाइवल फॉर फिटस, ओके, ये जो डार्विन ने की जो भी थ्योरीज थी ना। अब क्या है, अब ये जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको समझ में आ गई, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में जो हमें ग्रोथ पैटर्न मिलेगा वो समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह का ग्रोथ पैटर्न मिलता है, मींस शोइंग अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अब जो है इसको ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी हम कह सकते हैं। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, सपोज इफ अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, आपको पता है पॉपुलेशन साइज एन रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ रेट जो है आर रिप्रेजेंटेड एज बी, बर्थ रेट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेथ रेट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, तो इंक्रीज या डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी एन बाय डी टी, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ओके, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी एन बाय डी टी, ओके। सो अब इससे बन के जो इक्वेजन आएगी, ओके, वो क्या इक्वेजन आएगी, दैट विल बी, ओके, इसमें नहीं है, लेट मी शो यू द दिस, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ओके, ये जो हमारे पास इक्वेजन बन के आएगी वो क्या आएगी, आई एम जस्ट राइटिंग,
dn by dt is equal to b minus d into n, ओके okay? और जो dn by dt है, dn by dt इसको हम कहते हैं r और कैपिटल n, ओके okay? अब इसको समझते हैं, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा इक्वेशन को समझना होगा, ओके okay? नाउ यू कैन सी ये इक्वेशन बन के आती है जिसमें से r जो है बेटा, r को हम बोलते हैं इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जैसा कि जो डार्विन ने बोला था कि किस तरह इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज जब ही होगा जब ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ओके okay? और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आर जो है, ओके okay? सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर दैट इज़ चूजन फॉर एसेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि यही जो आर जो है यही बताएगा कि जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का के अगेंस्ट किस तरह रिस्पॉन्ड किया उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ ने, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आर वैल्यू, ओके। और जो है एन जो है दैट इज़ योर पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी एन टी, ओके। देन योर पॉपुलेशन डेंसिटी इन द बिगनिंग और एट ज़ीरो टाइम हमने एन नॉट से स्पेसिफाई किए, आप इसको एन नॉट भी कह सकते हैं और एन टी प्लस वन भी लिख सकते हैं। आर जो है दैट इज़ इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो कि है बी माइनस डी, दिस इज़ द आर, आर जो है दैट इज़ बी माइनस डी, ये आर होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आर लिख देंगे तो आपको जो है इसकी जगह आप आर लिख देंगे तो आपको मीन्स आर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट के, ओके okay, तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा दैट इज़ डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन, ओके। नाउ ई जो है, ई जो है यहाँ पे दैट इज़ योर बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ओके। जो है ई जो है दैट इज़ यहाँ पे आप देख रहे हो ई लिखा है, एन वन जो है दैट इज़ एन नॉट, ये आप देख सकते हो एन नॉट आर टी ऊपर होना चाहिए था, ओके, ई टू द पार आर टी, ओके। सो ई जो है बेस है जो कि एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये कोई आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछी जाएगी, ओके okay? बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। तो किसी भी स्पीशीज़ जो है जो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन, इट कैन रीच टू इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ, ठीक है। वो थोड़े से ही टाइम पीरियड में अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच सकती है, ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं रिसोर्सेज की। नाउ ये जो वैल्यू है डी एन बाय डी टी, दिस वैल्यू वेरीज़ फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, डी एन बाय डी टी जो वैल्यू है वो हर पॉपुलेशन की अलग होगी। जैसे बीटल की दी गई है 0.12, ओके, नॉर्वे रैट की जो आर वैल्यू दी गई है दैट इज़ योर 0.015, वैल्यू फॉर आर फॉर इंडियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1981 वॉज 0.0205। ये तो ये कुछ डाटा दिया है, अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए किस तरह ग्रो होती है और ये फॉर्मूला, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ओके। सो दिस ग्राफ यू विल गेट। नाउ नेक्स्ट इज़ योर लॉजिस्टिक ग्रोथ जो कि लॉजिकल ग्रोथ भी जिसको हम बोलते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा है, अब क्या हो सकता है, इसमें तो हमने देखा अनलिमिटेड ग्रोथ, लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि आपके पास बस इतना ही खाना है, ठीक है, और इतना ही स्पेस है जिसमें आपको सर्वाइव करना है, तो उस समय जो ऑर्गेनिज्म है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है दैट विल बी शोन, और जो हमको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ इस तरह का मिलेगा। दिस इज़ द ग्राफ शोइंग your logistic growth. So in nature, a given habitat has resources to support a certain number of individual of a population beyond which no further growth is possible. ठीक है, अब कुछ नेचर में है कुछ resources ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों को उस resources, वो resources available हो सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है फर्दर ग्रोथ फिर पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ओके, इसी को बेटा बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। और ये जो लिमिट होती है, क्योंकि जिसके बियॉन्ड जो है ग्रोथ जो है पॉसिबल नहीं है, तो वो लिमिट कहलाती है कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरिंग, इट इज़ नॉट टेमिंग, इट इज़ कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज़ इन दैट हैबिटेट। उसको हम क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। ओके, कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी। ओके, कैरिंग कैपेसिटी से हम इसको समझते हैं। ओके, सो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी से इसको समझना हो, फॉर एग्जांपल कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया जो है, सपोज़ वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल को ही वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, उसमें उतने ही लोग सर्वाइव हो सकते हैं अच्छे से, तो वही कहलाती है कैरिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल बेड है, अगर अब एक जो डबल बेड की अगर हम बात करें, डबल बेड में अच्छे से 3 लोग लेट सकते हैं, तो ये डबल बेड की कैरिंग कैपेसिटी हो गई। इससे ज़्यादा होंगे तो वो फिर वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो सेम नेचर में भी यही होता है, ठीक है, किसी भी गिवन हैबिटेट में जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो प्रेजेंट होते हैं वो कुछ ही इंडिविजुअल, उस पॉपुलेशन के कुछ ही इंडिविजुअल को क्या कर सकते हैं, वहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो है फिर ग्रोथ नहीं पॉसिबल होगी। तो इस कंडीशन में आपको लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। ओके, हमें कैसी ग्रोथ मिलती है? लिमिटेड, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ योर dn बाय dt इज इक्वल टू rn इन ब्रैकेट k माइनस वन ऑब्लिक k माइनस वन ऑब्लिक k। ओके, अब यहाँ पे जो आपका dn है, यहाँ पे जो है, वेट, ये होगा dn बाय dt, db नहीं होगा, इट विल बी dn बाय dt होगा, और वो किसके बराबर है, rn इन ब्रैकेट k माइनस वन अपॉन k। इसमें से n क्या है, दैट इज़ n इज़ योर पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t, R सेम वही है इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ओके, K जो है, K इज़ द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, K इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। सो दिस इज़ द लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड द ग्राफ विच वी गेट इज़ लाइक दिस। तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए और फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रोथ मॉडल, किस तरह ग्रोथ जो है, दो तरह की ग्रोथ जो है नेचर में सपोर्ट करती हैं। और आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड। इसमें जो लर्न करना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, दैट इज़ योर ग्राफ आपको आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड सिंपल क्या दोनों ग्रोथ का मीनिंग होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।